दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कल से होगा आईपीएल का आगाज। भिड़ेंगे धोनी और विराट के धुरंधर। आईपीएल 2019 का कल आगाज हो रहा है और पहला मैच चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। कोहली की टीम अगर धोनी के धुरंधरों को उनके गढ़ में हरा देती है तो इससे बड़ी शुरुआत उनके लिए नहीं हो सकती। चेन्नई की ओर से टीम की उम्र 30 बरस के पार है। मसलन धोनी और शेन वॉटसन दोनों 37 वर्ष के हैं, जबकि ड्वेन ब्रावो 35, फाफ दू प्लेसिस 34, अंबती रायडू और केदार जाधव 33 और सुरेश रैना 32 वर्ष के हैं। स्पिनर इमरान ताहिर की बात करें तो 39 और हरभजन सिंह 38 वर्ष के हैं। भारतीय टीम से बाहर लेग स्पिनर कर्ण शर्मा 31 और तेज गेंदबाज मोहित शर्मा भी 30 वर्ष के पार है। इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम चेन्नई ने हालांकि उम्र को हमेशा धता बताया है और ये टीम हमेशा शीर्ष चार में ही रही है और उसके उत्साही दर्शकों को हमेशा जश्न मनाने का मौका दिया है। जहां चेन्नई 3 बार की चैंपियन है, वहीं बेंगलुरु की टीम बड़े नाम होने के बावजूद अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत सकी है। शनिवार के मैच का नतीजा गेंदबाजों पर और दबाव का सामना करने की क्षमता पर निर्भर होगा। चेन्नई के अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा अच्छा प्रदर्शन करके विश्व कप टीम में जगह बनाना चाहेंगे, वहीं बेंगलुरु के तेज गेंदबाज उमेश यादव की नजरें भी आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर विश्व कप टीम में जगह पुख्ता करने पर लगी होगी। आरसीबी के खिलाफ चेन्नई ने 15 मैच जीते हैं और 7 हारे हैं, जबकि एक का नतीजा नहीं निकला है। आरसीबी की चिंता का सबब विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता भी है और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उचित विश्राम की भी जरूरत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कल के होने वाले दमदार मैच में धोनी की सीएसके ये मैच जीतेगी या विराट की आरसीबी करेगी अपनी जीत का आगाज? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।